तो गाइज ये है ऑल न्यू विटारा की ब्रेजा। भाई जैसे आप इस गाड़ी को लुक में देखोगे ना, पुरानी ब्रेजा से कंपेयर करोगे तो भाई जैसे डाइमेंशंस जो है इस गाड़ी की कोई भी चेंज नहीं हुई है, बट जैसे लुक वाइज अब भाई गाड़ी पता नहीं क्यों छोटी छोटी सी लगने लग गई है। जो गाड़ी की फ्रंट वाली लुक है ना वो तो भाई देखने में ओके ओके सी लगती है, बट जो गाड़ी की बैक प्रोफाइल है ना वो देखने में आपको बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त सी लगेगी। भाई सस्ती रेंज रोवर आप इसको बोल सकते हो, बट इस प्राइस पॉइंट में जैसे देखोगे तो जो हुंडई की वेन्यू है वो भाई आप लोग के लिए कम पड़ेगी। जैसे भी जब मैंने वीडियो डाली थी ना तो भाई लोग वह कह रहे थे ओवर प्राइज्ड है। भाई है ओवर प्राइज्ड वो, बट इसको क्या कहोगे, ये तो और भी ज़्यादा भाई आप लोग को महंगी मिलती है। मारुति सुजुकी ब्रेजा भाई टॉप वेरिएंट जो है इसका आपको लगभग पड़ता है 16 लाख समथिंग का पड़ता है। तो भाई ये इसे कहते हैं भाई ओवर प्राइज्ड गाड़ी होना, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा महंगी कर दिया है। इस प्राइस पॉइंट में आपको क्रेटा मिल जाएगी, सेल्टोस मिल जाएगी, साइज़ बड़ा मिल जाएगा, ज़्यादा कम्फर्ट मिल जाएगा, वो सारी चीज़ें उन गाड़ियों के अंदर मिल जाएगी। ये जो आप पर्टिकुलर वेरियंट देख रहे हो इसका VXI वेरियंट है। आज की वीडियो में इस गाड़ी के बारे में आप लोग को कंप्लीट डिटेल देने वाला हूँ कि इसके अंदर कौन कौन से फीचर्स मिल जाते हैं और कैसे क्या कंफर्ट जो है गाड़ी में आप लोग को अवेलेबल होता है। VXI वेरिएंट में आप लोग को जो गाड़ी की हेडलाइट है वो प्रोजेक्टर हेडलाइट्स मिल जाती है, बट गाड़ी में ना कोई भी DRLs वगैरह अवेलेबल नहीं होते हैं। जो इंडिकेटर्स हैं वो भी इसके हेलोजन बल्ब के साथ में मिलते हैं। फॉग लाइट भी जो है गाड़ी में आप लोग को अवेलेबल नहीं होती है। क्रोम का भैया थोड़ा सा यूज़ मिलेगा, अगर कोई पार्किंग सेंसर्स वगैरह या फिर जो है कैमरा आप लोग को इस गाड़ी में मतलब इस पर्टिकुलर वेरिएंट में अवेलेबल नहीं होता है। फ्रंट प्रोफाइल जो है गाड़ी की कम्प्लीटली चेंज कर दी है, बट जैसे आप गाड़ी के जो डाइमेंशंस है ना लाइक इसकी लेंथ हुई विड्थ हुई उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं है। व्हील बेस जो है उसके अंदर भी कोई भी चेंज नहीं किया गया है, बट जो गाड़ी की हाइट है वो 45 mm ज़्यादा बढ़ गई है पुरानी ब्रेजा से। जो गाड़ी के ORVMs हैं ये आप लोग को इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल रिट्रैक्टेबल दोनों फंक्शन के साथ मिल जाएंगे, और जो इंडिकेटर्स हैं वो भी इसी के ऊपर ही अवेलेबल हो जाते हैं। 48 लीटर की इस गाड़ी के अंदर फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है, पेट्रोल इंजन के साथ में आती है, और ऐसे दबाने से भाई ये जो इसका जो फ्यूल लिड है वो ओपन नहीं होती है। पहले VXI में क्या था, रिक्वेस्ट आंसर आ जाते थे, बट अभी क्या है आप लोग को भाई कोई भी रिक्वेस्ट आंसर नहीं दे रखा है। ड्राइव पैसेंजर साइड तो भाई कोई भी रिक्वेस्ट आंसर नहीं है, और ड्राइवर साइड आप लोगों को कोई भी रिक्वेस्ट आंसर नहीं मिलता है, और विंडो के नीचे कोई भी आप लोग क्रोम लाइन वगैरह का यूज़ देखने को नहीं मिलेगा। जो गाड़ी का क्वार्टर ग्लास पैनल है वो पहले से बड़ा हो चुका है। ये खड़ी है भाई पुरानी ब्रेजा, आप देख लो इसकी लुक कुछ इस तरह की मिलती है आप लोग को जो ये ओल्ड ब्रेजा है, और जो न्यू ब्रेजा है इसकी लुक भाई कुछ इस तरह से कर दी है। जैसे आप इसकी रफ ब्लैक फिनिश देखोगे ये अच्छी बड़ी बड़ी इस कर दी है, साइड में क्लैडिंग बड़ी बड़ी इस कर दी है। ये वाली जो साइड वाली क्लैडिंग दे रखी है ना आप लोग को देखने में टाटा पंच जैसी सी लगेगी, अच्छी बोल्ड सी इसके अंदर कर दी है। गाड़ी में क्या है आप लोग को शार्क फिन का एंटीना ही अवेलेबल होता है, पहले क्या आता था माइक्रो टाइप आता था जैसे वो लग रहा, बट अभी क्या है इसके अंदर शार्क फिन का एंटीना कर दिया है। आप लोग को क्या है इसके अंदर स्पॉइलर भी अवेलेबल हो जाता है, टेल लाइट इस भी हाई माउंट स्टॉप लैंप मिल जाता है, डिफोगर मिल जाता है, बट कोई वाइपर जो है गाड़ी में अवेलेबल नहीं होता है। और जैसे जो इसके ORVM के कंट्रोल्स दे रखे हैं वो आप लोग को अब यहाँ पर मिलने लगे हैं, ये इसके एडजस्टमेंट के और ये इसके फोल्ड एंड अनफोल्ड के। टेल लाइट जो है गाड़ी की आप लोग को LED मिलती है। भाई गाड़ी की बैक प्रोफाइल देखो यार आप एक बार, ज़बरदस्त लगती है देखने में, लुक भाई बहुत बढ़िया से लगती है। पीछे की लुक तो भाई मेरे को यूँ लगा लो बहुत मस्त लगती है। पीछे ना आप लोग को क्या है पार्किंग सेंसर्स जो हैं मिल जाएंगे, 4 पार्किंग सेंसर्स गाड़ी में दे रखे हैं। ब्रेजा की पर्टिकुलरली बैजिंग दे रखी है, रफ ब्लैक फिनिश का यूज़ है, सिल्वर फिनिश का भाई कहीं भी यूज़ नहीं दिया हुआ है। इसके टेल गेट को ओपन करने के लिए यहाँ पर आप लोग को मैग्नेटिक स्विच भी प्रोवाइड हो जाता है। पार्शियल ट्रे जो है आप लोग को इस वेरियंट में नहीं मिलती है, और ना ही कोई बूट लैंप जो है आप लोग को गाड़ी में अवेलेबल होता है। सेकंड रो की जो सीट है बेंच टाइप ही मिलती है, और आप उसको डाउन भी कर सकते हैं, बट देखता हूँ मैं फ्लैट फोल्ड होती है नहीं होती है। ये भाई हो जाएगी फ्लैट फोल्ड, ये भी अगर इसके निकालते हैं और फिर इसको उठाते हैं, यार उठाने में थोड़ी एक हाथ से दिक्कत आ रही है। ये देखो भाई जो इसकी सीट है उठ गई है नीचे वाली, और ये फ्लैट फोल्ड हो जाती है, ऑलमोस्ट फ्लैट फोल्ड आप इसको बोल सकते हैं, इतना स्पेस जो है इसके अंदर बन जाता है। तो यूँ है भाई ठीक है अपने ज़्यादा बड़ा सामान लेना चाहते हो तो। और इसका स्पेयर व्हील मिलता है 215/60/16 in का, ZXI+ जो वेरियंट आता है उसमें भी सेम सेक्शन का ही टायर मिलता है। और इसके टायर्स की तो मैं आप लोग को बताने भूल गया,
इसके अंदर फ्रंट डिस्क है, रियर ड्रम है और इसका टायर सेक्शन है 215/16 इंच का। और इनके ऊपर ना व्हील कवर्स अवेलेबल होंगे, ये ब्लैक कलर के रिम्स जो इसके अंदर आएंगे बट इसके ऊपर ना व्हील कवर्स लग जाएंगे। अभी गाड़ी के इंटीरियर से बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर मिल जाती है। यहाँ पे चारों पावर विंडो के स्विचेस दे रखे हैं, ड्राइवर साइड विंडो और टॉप एंड डाउन के साथ मिल जाती है। जो यहाँ पे इसका डोर हैंडल देखोगे भाई चेंज है, मस्त सा कर दिया है। बट इसमें कोई एम्बिएंट लाइट नहीं मिलती है इस वेरिएंट में, फैब्रिक का यूज़ है। हाइट एडजस्टेबल सीट जो है गाड़ी में मिल जाती है और देख लो भाई फैब्रिक की ही सीट मिलती है। टॉप वेरिएंट में भी जो है आप लोगों को टॉप वेरिएंट में जो है आप लोगों को वो नहीं मिलते हैं, टॉप वेरिएंट में लेदर की सीट नहीं मिलती है। यहाँ पे मिल जाते हैं म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल, ऑटो हेडलैम्प्स नहीं मिलते हैं, ऑटो वाइपर भी नहीं मिलते हैं। टच स्क्रीन डिस्प्ले मिल जाती है जो कि आपके एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले सपोर्ट करेगी। और इसके अंदर ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है। स्विचेज वगैरह जो हैं इसके आप लोग को सेम बलिनो वाले ही मिलते हैं। वायरलेस चार्जिंग नहीं मिलती है, यूएसबी मिल जाएगा एंड 12 वोल्ट का सॉकेट दिया हुआ है। गियर नॉब देखने में कुछ इस तरह का इस गाड़ी के अंदर अवेलेबल होता है। और यहाँ पे देखोगे दो ग्लास होल्डर मिल जाते हैं। आर्म रेस्ट जो है गाड़ी में नहीं मिलता है। IRVM मैनुअल डे नाइट मिलता है। पैसेंजर साइड सनवाइजर में जो है मिरर मिल जाता है और ड्राइवर साइड सनवाइजर में जो है टिकट होल्डर अवेलेबल हो जाता है। और जैसे आप देखोगे जो ग्लो बॉक्स है वो आप लोग को इसका डिसेंट साइज का ही मिलता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप देख लो इसके अंदर, टैकोमीटर स्पीडोमीटर दोनों चीज़ें मिल जाती है। और जो बीट्स की MID है वो आप लोग को मोनो कलर मिलती है जो कि बेसिक सी ही इन्फॉर्मेशन शो करता है। और इस साइड मिल जाते हैं आप लोग को इसका ट्रैक्शन कंट्रोल का स्विच, ऑटो इंजन ऑन एंड ऑफ के लिए लाइट लेवलिंग का, और जो की है आपकी यहाँ पर लगेगी हुड के लिए, और जो आपका फ्यूल लिड दे रखा है। गैप वगैरह भाई बिल्कुल ठीक दे रखा है इसके अंदर, और अंडर थाई स्पॉट वगैरह ठीक है। विजिबिलिटी भाई बताऊँ ना, अब जैसे इसका जो बोनेट है पुरानी ब्रेजर से ज़्यादा दिखता है, साइड विंडो बढ़िया व्यू है। बट जैसे साइड पैनल जो दे रखा है ये आप लोग को ऐसा महसूस होगा कि भाई जो इसकी पोजिशन है थोड़ी सी ऊपर हो गई है। पहले क्या था नीचे नीचे से लगता था सीट ऊपर करने के बाद, बट अभी सीट भी ऊपर कर लेने तब भी ऐसा लगता है कि ये पोजिशन ऊपर है। बाकी सीटों की चौड़ाई वगैरह तो ठीक ही आप लोग को मिल जाती है। अंडर थाई स्पॉट हाँ भाई यूँ है, थोड़ी सी कमी मिलती है। बाकी लेग रूम वगैरह ठीक है। आर्म रेस्ट और होता तो आप लोग के लिए कंफर्टेबल काफ़ी हो जाता है ये सीटें। पहले ऊपर भी ग्लो बॉक्स आता था बट अभी खाली नीचे की तरफ ही इसके अंदर दे रखा है। हेडरूम वगैरह ठीक है और रीडिंग लैंप यहाँ सिर्फ बीच में ही अवेलेबल होता है। अभी पीछे की तरफ जाके बताऊंगा कि कैसे का कंफर्ट इसके अंदर मिलता है। यहाँ पे स्पीकर की प्लेसमेंट दे रखी है, बोतल कैरी करने के लिए होल्डर है। अंडर थाई स्पॉट और बेटर हो जाती तो आप लोग को ज़्यादा मज़ा आता इस गाड़ी को ड्राइव करने में। सेकंड रूम भाई अब सबसे बढ़िया बात क्या हो गई है इसके अंदर ना, अब आप लोग को एयर के वेंट्स मिल जाते हैं जिनकी फ्लो भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। अब फर्स्ट रो की सीट मेरे हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट थी तो इसके अंदर नी रूम, लेग रूम तो ठीक है बट जो नी रूम है वो डिसेंट मिलता है। तीन बंदे भाई गाड़ी के अंदर आराम से बैठ के जा सकते हैं। हम खूब जा लिए, मेरे पास ब्रेजा है यही वाली जो खड़ी है, ये वाली मेरी नहीं है बट मेरी वाली उस गाड़ी के उस साइड में खड़ी है। जैसे आप इसका विजिबिलिटी देखोगे पीछे से देखने भाई कुछ इस तरीके का लगता है गाड़ी का डैशबोर्ड। और ना अभी पीछे एयर की वेंट बहुत ज़्यादा जरूरत थी। सेकंड रो में दो एडजस्टेबल हेडरेस्ट हैं, दो 3-point सीट बेल्ट है, आइसोफिक्स सीट मिल जाती हैं। फर्स्ट रो में भी आप लोग को जो है एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। बीच वाले बंदे के लिए मैं बताऊं तो थोड़ा सा पीछे से तो ऐसा लगता है कि भाई जैसे सीट अंदर घुसने लग रही है बट इसके अंदर जो हम्प है पुरानी ब्रेजर से थोड़ा ज़्यादा उठा हुआ है। और भाई पसीने दिखा और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है गाड़ी के अंदर ना, धूप में खड़ी और बहुत ज़्यादा गर्म हो गई है। तीन बंदे बैठ सकते हैं। रेक्लाइनिंग एंगल थोड़ा सा तो ऐसा लग रहा है कि भाई हाँ पुरानी ब्रेजर जो थी उससे थोड़ा सा बेटर हुआ है। बाकी अंडर थाई स्पोर्ट गाड़ी के अंदर इतनी अच्छी नहीं मिलती है। नी रूम लेग रूम तो भाई ओके ओके मिलता है, जैसे गाड़ी देखने में थोड़ी सी छोटी सी महसूस होती है ये। अब यार इस साइड चाइल्ड लॉक लग गया। और यहाँ पीछे वाले डोर हैंडल भी कुछ इस तरह के आप लोग को मिलते हैं, यहाँ पर फैब्रिक का भी यूज़ देखने को मिल जाएगा। जो ये न्यू ब्रेजा है आप लोग को 1.5 लीटर के के सीरीज इंजन के साथ मिल जाएगी जो कि 102 bhp एंड 136.8 nm का टॉर्क जो है प्रोड्यूस करता है। पुरानी ब्रेजा से अगर आप कंपेयर करोगे तो वो भाई 17 km/h के लगभग माइलेज क्लेम करती थी ARAI के अकॉर्डिंग, बट जो ये न्यू ब्रेजा है ये आप लोगों को 20 km/h की जो है एवरेज क्लेम करती है। सेगमेंट में भाई जैसे देखोगे तो एवरेज भाई काफ़ी सही है एंड रिलायबल प्रोडक्ट है, मारुति का प्रोडक्ट है। रीसेल वैल्यू भी गाड़ी में अच्छी मिल जाती है एंड जो मेंटेनेंस है वो भी आप लोगों को गाड़ी में काफ़ी अच्छा मिल जाता है। अगर इसका हुड मैं ओपन करके दिखाता हूँ भाई, जो इंजन है गाड़ी का ये देखो भाई, ये है 1.5 लीटर का इंजन
और यहाँ पे इंसुलेशन वगैरह भी प्रोवाइड है भाई, हैवीनेस ही थोड़ा है। और जैसे ऐसा लग रहा है इसमें हुड मैंने ओपन किया ना तो ज़्यादा हैवी सा हो गया, इस साइड से ऐसा लग रहा है भाई दब सा रहा है, मतलब हिल सा रहा है। बाकी ठीक है इंसुलेशन भी, और जो क्वालिटी है ना भाई, बिल्ड क्वालिटी जो है वो भी भाई काफ़ी बेटर है। पुरानी ब्रेजा में बेटर थी, बट इसमें जो सेकंड रो के डोर्स है ना उसमें मुझे लग रहा है कि हाँ उसकी भी क्वालिटी इंप्रूव हुई है। बाकी हुड वगैरह में सेम ही वजन है, इस वाली चीज़ में मुझे थोड़ा सा लग भाई हिल सा रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा सा हो रहा है। पुरानी ब्रेजा में भाई ये चीज़ नहीं थी। तो गाइज ठीक है, यही सब कुछ था आज की इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल नए हैं तो सब्सक्राइब करना। टेक केयर, बाय, थैंक यू सो मच।